हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वी आर ऑन चैप्टर नंबर 10, दैट इज द रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. Two videos I have uploaded of this chapter. Now we are on third video and our topic is role of hormones in initiating reproductive or function in initiating reproductive function. जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करते हैं क्या हॉर्मोन्स को, जो ब्लड के थ्रू जो भी उसका टारगेट साइट है जहां पर उसको पहुंचाने हैं वहां पर वो उसको पहुंचाता है. यानी कि इफ दिस इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड इट रिलीज द हॉर्मोन्स. ये रिलीज करेगा क्या हॉर्मोन्स को, कहाँ रिलीज करेगा, रिलीज हॉर्मोन्स वेयर, इन साइड द ब्लड, ब्लड के अंदर. और ब्लड उसको कहाँ पर लेके जाएगा, टारगेट साइड पे, जहां पर उसको पहुंचाना चाहिए वो उस टारगेट साइड पे उसको पहुंचा देगा. अब बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो टारगेट साइट्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो उनको ले जाने में कौन हेल्प करता है, ब्लड. और फिर वो टारगेट साइट जो है उस हार्मोन के लिए क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी. अगर हम यहां पर एग्जांपल लें, टेस्टिस एंड ओवरीज, जो टेस्टीज होती हैं एंड ओवरीज, ये क्या रिलीज करती हैं, ये भी हार्मोन रिलीज करती हैं. कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स. ओके, और इन्हीं सेक्स हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस में आ जाती हैं, इनसाइड द मेल एंड फीमेल. दीज सेक्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, यही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर, मेल एंड फीमेल. ओके, चलो अब एक बार मैं इसको फिर से आपको रिवाइज कराती हूं. जो रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, हमारे हॉर्मोन्स का क्या रोल है कि वो जो है रिप्रोडक्टिव फंक्शन वर्क करने लग जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेटा वो हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, किसके अंदर करते हैं, ब्लड के अंदर. और ब्लड उसको कहाँ पर लेके जाता है, टारगेट साइट पर, जहां पर भी उसको पहुंचाना है. क्योंकि बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं तो बहुत सारे जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, अब कोई हॉर्मोन किसी के लिए होता है कोई किसी के लिए होता है. तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है
टेस्टीज एंड ओवरीज, जो टेस्टीज एंड ओवरीज होती हैं वो रिलीज करती हैं क्या, सेक्स हॉर्मोन्स, और वही सेक्स हॉर्मोन्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जो कि हमने डिस्कस की थी हमारी प्रीवियस वीडियो में कि सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअली हॉर्मोन्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो बेसिकली क्यों आए हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे टेस्टिस और ओवरीज ने वो हॉर्मोन्स को रिलीज किया है, उन्हीं के वजह से हमारे अंदर क्या डेवलप हो गई है प्यूबर्टी एज में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों के अंदर होता है बेटा, मेल एज वेल एज फीमेल। ओके, नाउ क्वेश्चन इज अराइजिंग कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो उसकी वो लाइफ स्पैन क्या है, कितने साल तक एन ऑर्गेनिज्म स्पेशली अ ह्यूमन बीइंग कैन रिप्रोड्यूस। ओके, फाइन, अब हम बात करते हैं जो हमारी एडल्सेंट एज है। लेट मी राइट द टॉपिक फर्स्ट कि हम एक्चुअली करने के हवाले हैं। अब वी आर गोइंग टू डू द रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो कब तक रहती है, पहली बात तो एडल्सेंट एज जो है तभी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, एट द एडल्सेंट एज। क्यों, क्योंकि इसी एज में क्या होता है, जो हमारी टेस्टीज होती हैं एंड ओवरीज, टेस्टीज किसमें, मेल में, एंड ओवरीज इन फीमेल, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। वो इसी एडोलसेंट एज में ही वो कैपेबल होती हैं किसके, कैपेबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स। जो गैमेट्स हैं वो इसी एज में जो है बेटा प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है कि कब तक एक ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसका फेज बताना है, फेज ऑफ लाइफ मींस कितने टाइम तक, कितने इयर्स तक वो जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज द मेन टॉपिक, राइट? सो लेट अस डू इट। अब यहाँ पर हमारे पास टू सेक्स है, हमारे पास मेल एंड फीमेल। तो इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल, सो जो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ बिगिंस, यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बिगिंस, कब स्टार्ट होती है, क्या, रिप्रोडक्टिव लाइफ। ओके, एंड हियर आई विल राइट लास्ट, और कब उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या हो जाती है, फिनिश, एंड टाइम क्या होता है उसका। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जो फीमेल होती है हर लाइफ ऑफ रिप्रोडक्टिव इज स्टार्टेड फ्रॉम 10 टू 12 इयर्स। Fine, and up to what age? Up to the age of 45 to 50 years. Okay, they can reproduce. Fine. But in case of male, they
रिप्रोड्यूस मच लार्जर टाइम, बहुत ज्यादा मीन्स इस टाइम स्पेन से ज्यादा टाइम तक दे कैन डू रिडक्शन, दे रिप्रोड्यूस मच लॉन्गर टाइम, किससे फीमेल से, देन इन फीमेल्स, ओके नाउ वी विल डिस्कस फीमेल When ovaries releases the egg, एक सिंगल एग को हम बोलते हैं बेटा ओवा, क्या बोलते हैं ओवम. जब वो ओवम जो है रिलीज होता है तो वो मैच्योर होने में कौन रिलीज करता है ओवम को, ओवरीज, ठीक है, वो रिलीज करती है. इफ यू टॉक अबाउट द सिंगल एग दैट इज नोन एज अ ओवम, उसको मेच्योर होने में कितना टाइम लगता है, 28 से 30 डेज. हाउ मच टाइम, 28 टू 30 डेज. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज द ओव्यूलेशन. अब ये जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है इसके बीच में क्या चेंजेस आता है, आपका जो यूट्रस होता है इन फीमेल, जो यूट्रस होता है उसके ऊपर एक थिक लेयर लग जाती है, बहुत मोटी परत लग जाती है यूट्रस के ऊपर. और फिर क्या करेगा वो वहां पर, वो लेयर क्यों लगी है बेसिकली, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है. फॉर वॉट, फॉर फर्टिलाइजेशन. इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए. अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है देन इट कन्वर्ट इन टू द प्रेगनेंसी, देन इट कन्वर्ट्स इन टू द प्रेगनेंसी. अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, दो चांसेस है यहां पर. If it gets fertilized, then pregnancy will occur. If it is not fertilized, then what will happen? Then uterus, साथ में blood की vessels. यूट्रस साथ में ब्लड की वेसल्स जो है वो शेड हो जाएंगी, मीन्स ब्लड जो है वहां से रिलीज होने लग जाएगा. एंड दिस प्रोसेस इन वुमेन इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन. फाइन, and this repeats after every 28 to 30 days. ये जो है menstruation हमेशा 28 to 30 days के बाद फिर से यही process जो है repeat होता है, right? तो यानी कि रिपीट होना मतलब, तो क्या हो गई, साइकिल, मींस फिर से वही चीज होना बार बार, अगेन एंड अगेन. सो दिस इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. एंड कब तक ये रिपीट होती रहेगी, अप टू द एज ऑफ 45 से लेकर 50 इयर्स तक. एंड आफ्टर दैट इट स्टॉप, जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं दैट इज नोन एज द
मेनोपोज, मेनोपोज, और मेनोपोज कब होता है? एट द एज ऑफ 45 to 50 years. फाइन. जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको कंट्रोल कौन करता है? हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स कंट्रोल द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. फाइन. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट वी हैव डन. इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो बिगन होती है, डैट बिगन्स फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12. एंड कब तक होती है? फ्रॉम द अप टू द एज 45 to 50 years. मेल में ये टाइम पीरियड लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू फीमेल. मीन्स दे कैन रिप्रोड्यूस इवन आफ्टर द 50 years. इन फीमेल ओवरीज रिलीजेस द एग दैट इज नोन एज द ओवम एंड इट गेट मैच्योर्ड बिटवीन 28 to 30 days. दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द ओव्यूलेशन. व्हाट हैपन ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन? यूट्रस स्टार्ट मेकिंग द थिक लेयर टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर फर्टिलाइजेशन. एंड इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स दैट इज नोन एज द प्रेगनेंसी. And if those eggs are not fertilized, the uterus releases the blood vessels which are known as the menstruation. And this menstruation is long up to, means this process is repeat after every 28 or 30 days up to the age of 45 to 50 years. After this time, the menstruation period stops, and that stoppage is known as the menopause. I hope this complete process is clear to you. Now, our next topic will be how is the sex of the baby determined? Of the baby determined means जो baby है inside the womb, what is it actually? Which sex? मेल और फीमेल, वो भी क्या हो सकता है? डिटरमाइन हो सकता है. मीन्स दैट इज अ बॉय और अ गर्ल. हाउ इट फॉर्म्स? चलो लेट अस डू इट. बाय द वे कब होता है पॉसिबल? ये होता है जब हमारा एग जो है, इफ इट गेट फर्टिलाइज्ड. हम वो वाली कंडीशन यहां पर करेंगे. फर्टिलाइज्ड एग जो है दैट गेट्स फर्टिलाइज्ड. ओके, एंड इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. क्या होता है? एक धागे की तरह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम. और बाय द वे क्रोमोसोम्स होते कहाँ हैं? हमने पढ़ा था सेल में. ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, राइट? है ना? सभी ह्यूमन बीइंग्स के पास 23 पेयर ऑफ, इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग हियर, ह्यूमन बीइंग, तो कितने इसके पास क्रोमोसोम्स होते हैं? इसके पास होते हैं बेटा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. किसके अंदर? न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स, जिसमें से
टू क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स. टू क्रोमोसोम्स आर दी सेक्स क्रोमोसोम्स. यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, जिसके अंदर से टू क्रोमोसोम्स क्या हो गए आपके? सेक्स क्रोमोसोम्स, जिनका नाम क्या है? एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई. लेकिन यहां पर जो मेल है उसके पास ये टू सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, जबकि जो फीमेल होती है दे हैव टू क्रोमोसोम्स एंड बोथ आर एक्स. यानी कि जो फीमेल होती है उसके पास दोनों ही सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट बोथ आर दी एक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, यानी कि जो टेस्टीज है दे प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, जबकि जो फीमेल है उसमें ओवरीज हैं, वो ओवरीज दोनों के दोनों रिलीज करेंगे कौन से क्रोमोसोम्स? बोथ विल बी द एक्स क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम्स दे विल रिलीज. ओके, अब जब फर्टिलाइज होते हैं, जब यहां से एक एक्स क्रोमोसोम यहां से एक एक्स क्रोमोसोम, यानी कि दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम्स अगर आए हैं फ्रॉम द मेल, एक्स आ गया, फीमेल में तो है ही एक्स, तो एक्स ही आएगा. जब दोनों ही सेम क्रोमोसोम्स एग में फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या बनता है? बॉय. राइट, बट इफ हियर वाई क्रोमोसोम, और यहां से तो हमेशा क्या आएगा? एक्स ही आएगा, ऑलवेज एक्स. सो यहां पर ये क्या बन गया? एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स एक्स इज नोन एज द फीमेल. आई एम रियली वेरी सॉरी. अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम दोनों ही जायगॉट में आए हैं तो क्या बन गया? फीमेल. अगर यहां से वाई एंड यहां से एक्स आया है देन इट इज अ मेल, मीन्स अ बॉय. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो बॉय पैदा होना एंड गर्ल पैदा होना ये एक वुमेन पे डिपेंड नहीं करता, ये एक लेडी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसके पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं. लड़का होगा या लड़की होगा ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द मेल, मैन जेंट्स पे डिपेंड करता है, बिकॉज इट इज हैविंग द टू क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स एज वेल एज वाई क्रोमोसोम्स. क्लियर? लेकिन हम ये मेल है या फीमेल, हम इसको डिटरमाइन अनबॉर्न बेबी का हम सेक्स को डिटरमाइन नहीं करवा सकते ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. ये कंप्लीटली क्या है? प्रोहिबिटेड है. दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूं. हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड? दिस क्वेश्चन का मीनिंग है बॉय और अ गर्ल. नाउ वी विल टेक द कंडीशन के एग जो है दैट गेट फर्टिलाइज्ड, एग जो है वो फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है? तो उसके अंदर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर एंड दोज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द क्रोमोसोम्स. एंड क्रोमोसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. इफ यू टॉक अबाउट दैट इन एन ह्यूमन बीइंग हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर, सो देयर आर 23 क्रोमोसोम्स. सभी ह्यूमन बीइंग्स के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से टू क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स. इनसाइड द मेल ऑल्सो टू क्रोमोसोम्स आर देयर, इनसाइड द फीमेल ऑल्सो
टू क्रोमोसोम्स आर देयर बट दे बोथ आर डिफरेंट. वैसे तो क्रोमोसोम्स हमेशा या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, क्लियर. बट इनसाइड द मेल टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम. वेयर एज इन फीमेल ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, दैट इज द एक्स एक्स. दोनों ही क्रोमोसोम्स कौन से होंगे उनके, एक्स एक्स होते का ये एक्स वाई क्रोमोसोम्स इनसाइड द टेस्टीज एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरीज. ओके, बिकॉज ओवरीज से ही तो एग रिलीज होता है. Fine. At the time of fertilization, if the from the tested testes Y chromosomes X chromosome enters and from the female X chromosome is entered. So this type of fertilization will produce a girl child. And if Y chromosome from the male and the X chromosome from the female they produce a zygote that always produce a male child, boy, male child. Clear? Now question arises that our body always produces only the sex hormones. जो hormones हैं वो सिर्फ sex hormones ही produce कर सकते हैं. No. हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं. ये तो हमने सेक्स हॉर्मोन को डिस्कस किया है. सो देयर आर मेनी अदर हॉर्मोन्स इनसाइड आवर बॉडी. इफ वी टॉक अबाउट देन हाउ मेनी ग्लैंड्स आर देयर, क्योंकि ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस करते हैं, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. सो क्वेश्चन इज अराइजिंग हाउ मेनी ग्लैंड्स आर देयर इन आवर बॉडी. सो देयर आर 7 ग्लैंड्स इनसाइड आवर बॉडी. So let us see from the book itself, what are they? The first one is the pineal gland. Pineal gland, जो कि कहाँ होता है, हमारे brain में होता है. Clear? इसका work क्या है, function क्या है? इसका function ये है कि person के अंदर कितनी sexual development हो रही है, that is depends upon the pineal gland. वो उसको कौन रेगुलेट करता है, डेट इज रेगुलेटेड बाय द पीनल ग्लैंड. नेक्स्ट वन इज द पिच्यूटरी ग्लैंड. ये भी हमारे ब्रेन में होता है, बेस में नीचे की साइड होता है और ये सबसे मास्टर ग्लैंड होता है. क्यों? क्योंकि और सभी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है. जितने भी हार्मोन्स है, ग्लैंड्स है, इन सभी को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है. ये हमारी ग्रोथ का भी ध्यान रखता है कि हमारी बॉडी में कितनी ग्रो कर रही है, हमारी हाइट कितनी होगी. और हमारी हाइट अगर बहुत ही छोटी रह गई है, ड्वार्फिज्म है, तो वो भी यही रिस्पॉन्सिबल है. कौन? पिच्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट वन इज द थायराइड ग्लैंड. ये हमारी नेक में, गर्दन में होता है, जहां पर हमारा विंड पाइप होता है, जहां पे हमारे सांस लेते हैं वो पाइप होता है, वहीं पर ये होता है. क्लियर? हमारी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है ये वो यहीं से जो है कैरी ऑन होती है. इसमें बीमारी भी हो जाती है, डेट इज द गॉइटर, जिससे कि हमारा ये जो ग्लैंड है काफी इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है. मेंटल इनएबिलिटी, अगर कोई दिमाग से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वो थायराइड ग्लैंड भी उसके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. नेक्स्ट वन इज द पैराथायराइड ग्लैंड्स. ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट करता है, बैलेंस बनाए रखता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की जो है वो प्रेजेंस वो क्या रहे, बैलेंस्ड रहे. नेक्स्ट वन इज द थायमस ग्लैंड, जो कि हमारी ब्रेस्ट के पास होता है, नियर द हर्ट, जहां पर हर्ट होता है हमारा, वहां होता है. जब
चाइल्डहुड एज में बच्चा पैदा होता है 8 साल तक, तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे ही वो आपकी एडोलसेंस एज आ जाती है तो इसका साइज छोटा होने लग जाता है। क्लियर? ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इम्यूनिटी सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन द थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज द एड्रेनल ग्लैंड। ये दोनों ही ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होते हैं, टॉप ऑफ द किडनी। ये जब हमें गुस्सा आ जाता है तो हमें काम करने में हेल्प करते हैं। अगर हमें टेंशन हो गई है तब भी ये स्ट्रेस, ये बेसिकली एक तरीके से स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं, ये स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द पैनक्रियास। ये हमारे स्टमक के नीचे होते हैं और ये काम क्या करते हैं, इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक इंसुलिन होता है और एक होता है ग्लूकेगॉन। जो इंसुलिन होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, यानी कि हमारे ब्लड में से शुगर को लोअर, कम करता है। और ग्लूकेगॉन ये क्या करता है, ये हमारे शुगर लेवल को बढ़ा देता है। क्लियर? सो योर होमवर्क इज यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल 10.2। थैंक यू सो मच।